सभी मित्रों को नमस्कार। प्रसिद्ध कहानीकार एवं कवित्री राम दुलारी शर्मा जी की रचना मां कितनी उदास थी। मां कितनी उदास थी। मां पहली बार नौकरी पर जा रहे भाई को विदा करते हुए उज्जवल हो रहे थे मां के सपने, आंसुओं में घुलकर मां की सिसकियों से थरथरा रही थी। घर की दीवारें उस रात नहीं लगी किसी की भी आंख। नीम के हल्के झोंकों के साथ बह रहा था दुख पूरी बाखर में। बार बार घर से बाहर और भीतर होते हुए सारी रात बुदबुदाती रही मां। कैसे कटेगी बहरन रात, कैसे कटेगी बहरन रात। नौकरी की खातिर भेज दिया अनमोल लाल को घर से कोसों दूर छाती पर पत्थर रखकर। कितनी नीरस थी वो सुबह, गेंदा के चटकते रंग और चमेली के फूलों में घुल रहा था मां का दुख ओस बिंदुओं के साथ। आज सुबह नहीं कि किसी ने कोई जिद, कौन सोया था जिसे जगाते पिता। पूरा दिन खाली गया। आज नहीं आया भाई का कोई साथी भाई से मिलने। कबीलों की कोख से झांक रही थी सूरज की सुनहरी किरणें, प्रकाश बिंदु बनकर सुखद संदेश लिए मां के भीगे आंचल पर थोड़ी सी ताप लिए। प्रसिद्ध कहानीकार एवं कवित्री राम दुलारी शर्मा जी की रचना भाई का पत्र। तो लीजिए प्रस्तुत है जयरंगमंच की प्रस्तुति भाई का पत्र। भाई का पत्र आया है। डबडबा उठी मां की आंखें, चहक उठे छोटे भाई बहन। क्या लिखा है, किसके लिए, सभी झूमते हैं पत्र पर एक साथ। पिता की चमक उठी आंखें, आशा की एक लहर लिए। पत्र में लिखा है, मैं कुछ रुपए भेज रहा हूं बरसात के लिए, खरीद लेना अनाज। छोटे भाई बहनों को दिला देना किताबें और कापियां, यदि हो सके तो बदल देना घर की टूटी हुई म्यार जो वर्षों से टिकी है टेकों के सहारे। पौर की छानी शायद ना झेल पाए इस वर्ष की बारिश को, छानी के टूटे हुए खपरे और गले हुए बांसों को बदल देना। सब कुछ बदलेगा धीरे धीरे, कोशिश रहेगी मेरी। घर के मझोटे और दीवारों को बचाए रखो सीलन से। मन्नू से कहना अपनी पढ़ाई मन लगाकर करे,
मैं इस बार उसे खिलौने और गुड़िया के लिए कपड़े लेकर आऊंगा। मैं सोच रहा हूं मां के लिए क्या लेकर आऊं। पूछने पर यही कहेगी, बस तुम जल्दी आ जाना। वो सोते जागते सोचती होगी मेरे ही बारे में, गिनती होगी मेरे आने के दिन, सोनी आंखों से देखती होगी मेरा ही रास्ता, रात में तारों से करती होगी मेरी ही बातें, घर के किसी कोने में मुंह छिपाकर टपकाती होगी आंसू, उस खूंटी को देखकर जहां टंगी रहती थी मेरी कमीज, पूरी बाखर में सुगंध की तरह फैल गई, पत्र में लिखी बातें पूरे गांव में खबर हो गई, भाई का पत्र आया है। आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा। जय रंगमंच।